कतर मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हिजबुल्ला का एक और कंपनी कमांडर ढेर हो गया है। आतंकी हैदर अली तवीब को आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। केफर केला कंपनी कमांडर था अली तवीब, उत्तरी इसराइल में एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ता था तवील, जिसे ढेर कर दिया गया। जनरल बख्शी, पहले कई कमांडर्स को मारा गया, इसराइल बता रहा है कि हिजबुल्ला पर कैसे हमले कर रहा है, उसके बाद नसरुल्ला को मारा 7 दिन के भीतर सफेद दिन, अब तवील को ढेर कर दिया, एक और कमांडर ढेर, खत्म होगा हिजबुल्ला। देखिए, एक कमांडर के पहले जाने के पहले मैं कमेंट करना चाहूंगा कि ये जो कल बात हो रही है 7 अक्टूबर को इसराइल रिटेलिएट करेगा, मैं एम्बेसडर वोरा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है, सब लोग फुल अलर्ट पे हैं, सारे के सारे अपने एयर स्पेस को बंद करके बैठे हुए हैं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ख्याल कल जो पलटवार होगा वो ज़्यादा हमास और हिजबुल्ला और हाउती पे होगा, एंड ईरान को मेरा ख्याल वो कल का दिन बहुत ऑब्वियस बन जाता है। इट इज़ टू पेटेंटली ऑब्वियस एंड यू वुड लाइक योर enemy to be not so ready to meet you. मतलब ये तो ये बात हो गई कि मैं आ रहा हूँ, अब बिल्कुल तैयार हो जाओ और निशाना लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्या स्ट्राइक करेगा इसराइल, ये बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ को स्ट्राइक, क्या टारगेट से स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले तो अगर ईरान का बस इसराइल का बस चले तो वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को निस्तनाभूत करना चाहेगा। नंबर दो पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट है खर्ग ऑयल टर्मिनल और जो अपना जो हमने भी जो पोर्ट बनाने में मदद की है बंदर अब्बास, वो भी एक्सपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह को हिट कर सकता है जी, राइट। और तीसरा जो सेट ऑफ टारगेट्स है जो कि ज़्यादा लाइकली है वो है कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर, उनके टॉप आला कमांडर, उनके एयर बेसिस, उनके मिसाइल साइट्स, मिसाइल साइलोज, उनके जो ड्रोन और मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। प्रॉब्लम देखिए इसमें एक आएगी, बहुत समझना ज़रूरी है, नाजुक मोड़ है इतिहास का, समझना ज़रूरी है। इसराइल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस टू ईरान, उसको कोई ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक करने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो सदर्न रूट से जाते हैं समुद्र ताकि किसी और देश को ना पार करना पड़े, तो उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। ये मिड एयर रिफ्यूलिंग केवल जो है अमेरिका वही। सर आपने अमेरिका का जिक्र किया, आई एम सॉरी सर मैं रोक रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों की बातें अच्छी हैं और जो बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, लेकिन इस बीच आपने अमेरिका का नाम लिया तो बता दो कि इसराइल को FBI ने भी सतर्क कर दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि इसराइल की मदद करेंगे हर तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इसराइल को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है और ये बता दिया है कि किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या तैयारियां इसराइल को करनी है आने वाले समय को लेकर, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तैनाती कर रहा है इसराइल की मदद के लिए, वहीं दूसरी ओर जैसा कि जनरल बख्शी ने भी कहा कि दूसरे देश तक जाने के लिए, हमला करने के लिए एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने इसराइल को क्या अलर्ट किया, ये आपको बता देती हूँ। इसराइल को FBI ने सतर्क कर दिया है और ये कहा है कि इसराइल पर हमले का अलर्ट है, यानी आने वाले समय में इसराइल पर और हमला हो सकता है। ईरान ने हमला भी किया है लेकिन आने वाले समय में अटैक और हो सकते हैं। FBI ने यह अलर्ट जारी किया, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है इसराइल को तैयार रहने के लिए, कि इसराइल हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं, ईरान की तरफ से प्रॉक्सी हमला किया जा सकता है, प्रॉक्सी गुट हमले की फिराक में है ईरान, जिसकी तैयारी ईरान ने पूरी तरह से कर ली है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम भी हर फ्रंट पर हर तरह के हमले के लिए, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार हमला बड़ा हो सकता है, यानी 3 से 4 दिन पहले जो बैकटू मिसाइलें दागी गई थी उससे भी बड़ा हमला इस बार हो सकता है, इसराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट किया है इसराइल को। कल हमास हमले का 1 साल पूरा होना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसराइल अलर्ट रहे, लेकिन इसराइल ये कह रहा है, इसराइल की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 7 अक्टूबर को लेकर इसराइल ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो मैं अभी तस्वीर दिखा रही हूँ, प्रॉक्सी हमले की चेतावनी दी गई है FBI की ओर से, एक तरफ अमेरिका कह रहा है मदद के लिए तैयार है लेकिन ईरान प्रॉक्सी हमला कर सकता है, क्या कल का दिन इसराइल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके दुश्मनों के लिए तैयारी इसराइल ने कर रखी है उसको देखते हुए?
100% जो पहला हमला हुआ था 7 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं 2023 को, वो प्रॉक्सी हमला था। उसके बाद हुथियों का प्रॉक्सी हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्ला का प्रॉक्सी हमला हुआ, फिर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया यानी अनडिक्लेयर्ड वॉर। तो जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा है कि कल वो सीधा नहीं मारेंगे मैम, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है कि सब लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे। हाँ, प्रॉक्सी हमला कल होगा, हो ना हो इसराइल वो बहाना लेगा कि और ठोकेगा हिजबुल्ला को और मारेगा हमास को, और जो अमेरिकन जो है वो हुतियों को पिटाई करेंगे। ये बना रहे हैं कि तैयार हो जाओ पब्लिक ओपिनियन, मीडिया ओपिनियन, कि इसराइल पर हमला होगा, और अगर इसराइल ने सारी हदें पार कर ली अपनी रक्षा के लिए तो फिर हमें मत कहना कि आपको नहीं बताया था। आई सीन दिस गेम बिफोर मैम मेरे करियर में। जनरल बख्शी, आपसे रिएक्शन चाहूंगे इस पर, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि इसराइल तैयारी कर रहा है अलग अलग फ्रंट पर, तो ईरान ने भी तैयारी कर रखी है क्या? जो चेतावनी, जो अलर्ट जारी किया गया एफबीआई से, उसको लेकर इसराइल को तैयार रहने की जरूरत है? हालांकि दावे इसराइल के हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी फ्रंट पर। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मेरी ये टेररिस्ट ग्रुपों से लड़ते गई है। ये जो एनिवर्सरीज होते हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप ज्यादा मनाते हैं, बट इसराइल इतना एनिवर्सरीज पे नहीं जाता, वो ऑपरेशनल सरप्राइज पे जाता है। और जो एफबीआई की तरफ से वार्निंग आई है, मेरे ख्याल अभी ईरान हिमाकत नहीं करेगा कि वो दूसरे के बाद तीसरा अटैक कर दे, फिर तो उसकी तबाही निश्चित है। फिर तो उसकी तबाही निश्चित है। वो इंतजार कर रहा है कि इसराइल क्या करता है, फिर मैं उसका पलटवार मैं करूंगा। ठीक है, अब सवाल सीधा खड़ा होता है दर्शकों के सामने कि इसराइल क्या कर सकता है। मेरे हिसाब से इसराइल के पास तीन बड़े ऑप्शंस हैं। एक है इसराइल के पास जेरिचो 1, जेरिचो 2, जेरिचो 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 4,000 से भी ऊपर किलोमीटर है। इनसे वो न्यूक्लियर टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, वो जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को स्ट्राइक कर सकता है, और मिलिट्री और कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा, जो ईरान नॉर्मली ईरान एयर पावर को ज़्यादा अहमियत देता है, ईरान के पास F-35 स्टेल्थ जेट फाइटर्स हैं, 2000 किलोमीटर रेंज है जिनकी बगैर रिफ्यूलिंग के, और ईरान के पास F-15E हैवी ड्यूटी फाइटर्स हैं, और साथ में F-16 हैं। अगर इस्तेमाल एयरफोर्स का करना चाहता है तो F-35 और F-15Es जो है वो पलटवार करेंगे कल परसों यानी 7 अक्टूबर का दिन। बार बार हम कह रहे हैं सर कि 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वापस लौट रही हूँ आप लोगों के पास, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इसराइल को ईरान